PSL में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 3 साल के बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स को किसी मैच में शिकस्त दी। 2019 और 2020 में होने वाले दोनों मैचेस क्वेटा जीता था। इस तरह 4 मैचेस हारने के बाद इस्लामाबाद ने फाइनली क्वेटा के अगेंस्ट कोई मैच जीता। इस्लामाबाद की इस अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे जो खास बात थी वो उनकी बॉलिंग थी, जिन्होंने क्वेटा को 156 के ऊपर रिस्ट्रिक्ट किया। और इस बॉलिंग के पीछे जो उनकी स्ट्राइक फोर्स थी वो फहीम अशरफ थे, जिन्होंने 4 ओवर्स में 11 रन दिए और 3 विकेट्स भी ली। इस पीएसएल में अब तक जितने भी स्पेल्स हुए हैं ये सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल स्पेल था। और इन 3 विकेट्स के साथ फहीम अशरफ सिर्फ 4थे ऐसे बॉलर बने हैं पीएसएल में जिनकी के 50 विकेट्स हैं। हसन अली, मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज की भी 50 विकेट्स हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये तीनों जो बॉलर्स हैं ये वो पीएसएल के तमाम एडिशंस खेले हैं, जबकि फहीम अशरफ का पीएसएल में डेब्यू 2018 में हुआ था। क्वेटा जो कि पीएसएल 2019 में जीते थे, उनका रिकॉर्ड अब दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। अगर हम उनके लास्ट 10 मैचेस देखें तो उसमें से वो सिर्फ 1 मैच जीते हैं, 8 मैचेस वो हारे हैं और 1 मैच नो रिजल्ट था। अभी तक इस पीएसएल में ये उनकी 4th कंसेक्यूटिव डिफीट थी। और अगर वो अब अपने नेक्स्ट मैचेस नहीं जीतते तो उनका प्लेऑफ्स में जाना जो है वो मुश्किल होता जाएगा। कल उनका एक और मैच है मुल्तान सुल्तान्स के साथ और देखना ये है कि इस मैच के बाद हमें कौन से इंटरेस्टिंग स्टैट्स और फैक्ट्स देखने को मिलते हैं।